वेरी रिसेंटली मुझे एक क्लास 11th और एक क्लास 12th के स्टूडेंट्स ने ईमेल किया और मुझसे ये पूछा कि सीए कोर्स में अगर एनरोल करना हो तो उसका प्रोसेस क्या होगा। और मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जब मैं क्लास 12th में था ये प्रोसेस के बारे में तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। तो इस वीडियो में मेरी एक छोटी सी कोशिश है जहाँ मैं आपको कुछ बेसिक्स बता सकूँ सीए कोर्स के बारे में और एक एनरोलमेंट प्रोसेस के बारे में समझा सकूँ, जैसे एक बड़े भाई या काउंसलर की तरह। और इस वीडियो को बनाते बनाते ही मुझे कुछ आइडियाज़ या कुछ सजेशंस आए हैं, या एक तरीके समझो कुछ गिव अवेज के आइडियाज़ आए हैं जो मैं आपके साथ अप्रैल मंथ में शेयर करूंगा। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। फर्स्ट इस बेसिक्स। बेसिक्स में ये समझते हैं इंस्टीट्यूट के बारे में। ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इट वॉज सेटअप बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन द ईयर 1949। हेडक्वार्टर्ड इन दिल्ली एंड हैव 5 रीजनल ऑफिसेज और काउंसिल all over India and have many branches in India and as well as have international presence. Scheme of education kya hai? Iske 3 levels hote hain. Level 1, foundation. Level 2, intermediate. And level 3, final course. Aur generally ye tenure jo hota hai, 4 years ka hota hai aur uske andar 2 years ki practical training bhi hoti hai. Maine recently abhi ek video mein pura ek detailed discussion kari hai jahan pe ye samjhane ki maine koshish kari hai ki agar आपको सीए कोर्स ऑप्ट करना है तो क्या कैसे कर सकते हो, दूसरे कोर्स से कैसे कंपेयर करना है और एक सीए कोर्स की जर्नी क्या होती है। बट आज इस वीडियो में हम एक एनरोलमेंट की बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जो 11th में हैं, जो 12th में हैं और 12th अभी अपीयर कर रहे हैं एग्जाम्स में एंड उनको नेक्स्ट स्टेप एनरोलमेंट करना है। तो समझते हैं एनरोलमेंट का प्रोसेस क्या है। सीए करिकुलम के हिसाब से क्लास 10th के बाद आप एनरोल कर सकते हो सीए कोर्स में एंड उसका फर्स्ट लेवल जो होता है फाउंडेशन का, आप वहाँ रजिस्टर कर सकते हो। सो दैट मींस अगर आप क्लास 11th में हो या आप क्लास 12th में हो, अभी स्टडीज कर रहे हो, तो आप अपने आप को सीए कोर्स फाउंडेशन में एनरोल कर सकते हो। लेकिन आप एग्जाम कब अपीयर करेंगे सीए कोर्स फाउंडेशन का लेवल 1? जब आप क्लास 12th के एग्जाम्स में अपीयर हो जाएंगे। क्लियर? नहीं, अपीयर हो जाएंगे। एंड जब आपने रजिस्टर किया सीए फाउंडेशन कोर्स में एंड जो सीए एग्जाम्स की जो डेट्स हैं उसके बीच में टेन्योर जो टाइम डिफरेंस होना चाहिए वो होना चाहिए 4 months, तो आप सीए एग्जाम्स में अपीयर कर सकते हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से आप अभी मार्च 24 में हैं और आपने अभी 12th के बोर्ड के एग्जाम्स दिए और अभी आप अगर सीए एग्जाम्स में रजिस्टर करवाएंगे तो वहां से नेक्स्ट 4 months का एक टाइम गैप लीजिए एंड जो नेक्स्ट अटेम्प्ट आएगा या नेक्स्ट टाइम पीरियड जब एग्जाम्स होंगे तब आप सीए एग्जाम या फाउंडेशन का अटेम्प्ट दे पाएंगे और वो बनता है नवंबर या दिसंबर 2024, क्योंकि इससे पहले जो अटेम्प्ट होता है वो जून 2024 में है। तो अभी वो टाइम गैप 4 months नहीं रहा, तो आप नवंबर और दिसंबर में दे पाएंगे। नाउ लेट्स टेक अ स्टेप बैक। अगर आप क्लास 11th या क्लास 12th में है तो आपने अगर अभी रजिस्ट्रेशन कराया तो आपका जो सीए फाउंडेशन का एग्जाम होगा वो नेक्स्ट ईयर जून 2025 में होगा, क्योंकि आपका जो टाइम गैप हो गया वो 4 months से ज़्यादा हो गया रजिस्ट्रेशन से एक्चुअल एग्जाम डेट पे। और आप मार्च 2025 में क्लास 12th के एग्जाम्स के लिए भी अपीयर कर चुके होंगे, राइट? नाउ इसमें एक आप बेनिफिट समझिए। अगर आप अभी क्लास 11th और क्लास 12th में हैं, आप अभी एनरोल करा सकते हैं और सीए कोर्स की पढ़ाई के लिए फाउंडेशन कोर्स को समझ सकते हैं, अपना इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। एंड लेट्स से आपके पास 6 to 8 months है या 10 months भी हो सकते हैं उस प्रिपरेशन करने के लिए, एंड उस प्रिपरेशन के टाइम आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो वेल एंड गुड, आप एक डेडिकेटेड डायरेक्शन की तरफ मूव कर जाएंगे जस्ट आफ्टर 12th। बट अगर आपको लगता है कि मेरा इंटरेस्ट नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा सीए कोर्स करने में, तो आप इजीली दूसरे कोर्स में मूव कर पाएंगे 12th के बाद ही। आप डिसाइड कर पाएंगे कि मुझे सीए तो नहीं करनी है, क्या मैं और कोर्स इवेल्युएट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप 11th और 12th में एनरोल करा सकते हैं। इसी से कनेक्टेड पॉइंट क्या है कि सीए सिलेबस या सीए जब आप ऑप्ट करते हैं आप रेगुलर कॉलेज नहीं कर पाते हैं, आपको डिस्टेंस लर्निंग से कॉलेज करनी पड़ती है। नाउ अगर आप 11th 12th में ही एनरोल करा लेते हैं तो आपको एटलीस्ट ये पता है कि आपके पास एक टाइम है सीए कोर्स को समझने का एंड 12th एग्जाम्स के बाद सीधा अपीयर करने का। तब तक आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि मुझे इवेंचुअली सीए कोर्स करना है नहीं करना है। एंड देन अगर आपको सीए कोर्स नहीं करना तो आपके पास एक डायरेक्शन आ जाती है कि मुझे कॉलेजेस में एडमिशन लेने हैं, तो कॉलेजेस का जो कोर्स होता है या कॉमन टेस्ट होता है विच इज CUET, तो आप उसके लिए भी साथ साथ अपीयर कर सकते हैं। तो आपके ऑप्शंस खुल जाते हैं, आपके ऑप्शंस थोड़े वाइड हो जाते हैं जहाँ पे आप
ये कोशिश करते हैं कि सी एक प्रोफेशनल कोर्स है, लेट मी ट्राई दिस आउट, जबकि मैं 12th में हूँ या मैं 11th में हूँ, और साथ साथ मैं CUET के लिए भी अप्लाई करूँ ताकि मेरे ऑप्शंस खुल जाए, मुझे जो ऑप्शन बेस्ट लगे मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से मैं उसमें अप्लाई करूँ। सिमिलरली एक छोटा सा एग्जाम्पल है इसी के रिगार्डिंग, जहाँ मेरी सिस्टर की डॉटर ने ही ये चीज़ ऑप्ट करी, उसने लॉ में एनरोल किया, जिसके लॉ के एग्जाम्स शी इज इन नाउ 12th, अभी 12th में आ रही है। लॉ के जो एंट्रेंस एग्जाम है अभी वो दिसंबर इस ईयर में होंगे, एंड नेक्स्ट ईयर शी बी अपेयरिंग इन 12th एग्जाम, एंड साथ साथ उसने CUET का भी अप्लाई किया है। तो उसके पास ऑप्शंस खुल गए हैं कि क्या लॉ में पॉसिबिलिटीज है या नहीं है, अगर वो नहीं तो एटलीस्ट मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो ट्राई कर सकती हूँ। तो वो ऑप्शंस आपके पास खुल जाते हैं इस एज में, ताकि आप 12th के बाद तब डिसाइड ना करें या तब कन्फ्यूज ना हो, आपके पास आपने ऑलरेडी ऑप्शंस को एवेल्युएट किया हुआ है, उसके हिसाब से आपने एक्शन लिया हुआ है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे आपको इस वीडियो में समझानी थी, कि आप अच्छे से एवेल्युएट करें और समझिए कि आप इंटरेस्ट भी डेवलप कर पाएंगे CA कोर्स में। अदर थिंग इज CA के फाउंडेशन में कौन से एग्जाम्स या कौन से पेपर्स होते हैं। वन इज अकाउंटिंग पेपर वन, पेपर टू इज बिजनेस लॉ। ये दोनों सब्जेक्टिव होते हैं, दैट मीन्स क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में होते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। पेपर थ्री इज क्वांटिटेटिव एग्जाम एंड पेपर फोर इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये दोनों पेपर ही ऑब्जेक्टिव होते हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। CA फाउंडेशन को क्लियर करने के लिए हर एक पेपर में मिनिमम 40% मार्क्स आने चाहिए और ओवरऑल 50% आना चाहिए। जब दोनों ही होंगे तभी आप CA फाउंडेशन को क्लियर माने जाओगे या आपने क्लियर किया। सो फॉर एग्जांपल जैसे टोटल 400 मार्क्स का होते हैं, जैसे 100, 100, 100, 100, तो ओवरऑल आपको 200 तो चाहिए, बट हर पेपर में 40 आने ज़रूरी है, राइट। बट अगले से कि आपके पेपर्स में 40 तो आ गए बट आपने ओवरऑल 200 नहीं किया, तो आपको रीअपियर करना पड़ेगा उन एग्जाम्स में। अब बात करते हैं फीस की। CA फाउंडेशन जो कोर्स है उसकी रजिस्ट्रेशन फी है 9,000 रुपीज़। लेवल टू जो इंटरमीडिएट है उसकी फीस है 18,000 रुपीज़। लेवल थ्री उसकी फीस है 22,000 रुपीज़। ये जो फीस हैं जिनको हम सम अप करते हैं तो 49,000 या एग्जाम फॉर्म्स एंड ऑल दैट ऐड करके भी तो 50,000 आ जाता है। ये सिर्फ इंस्टीट्यूट की फीस है, इसके बियॉन्ड क्या फीस होती हैं आपकी प्राइवेट कोचिंग क्लासेस, बट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स की क्लासेस लेनी है, कौन से सब्जेक्ट की क्लासेस नहीं लेनी है, कौन सी सेल्फ स्टडी करनी है। अब बात करते हैं इन फीस की कंसेशंस पे। CA इंस्टीट्यूट कंसेशंस भी ऑफर करता है, स्कॉलरशिप भी ऑफर करता है। एक कंसेशन होता है कि जहाँ पे वो रिफंड देते हैं फी इन एन इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 6 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, बट आपको उसके लिए प्रॉपर एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, एंड एक कंडीशन है कि आप टॉप 2 रैंक्स में आए अपने बोर्ड में। सेकंड है जहाँ पे आपको 75% कंसेशन मिल जाता है, जहाँ आप यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख या नॉर्थ ईस्ट स्टेट के एंड या फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के पार्ट हैं या जहाँ आप रहते हैं। थर्ड इज फुल एग्जेम्पशन, जहाँ पे आप स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट हैं, बट इन सब के लिए एक डिक्लेरेशन आपको फाइल करनी होती है और अप्लाई करना होता है। नाउ मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी ऐड किया है, जहाँ पे प्रॉपर ICAI ने डिटेल समझाया है कि कैसे आपको एनरोल करना है, ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है और फीस पे करनी है। सो आई होप मैंने आपको एक सिंपल तरीके से एनरोलमेंट का प्रोसेस समझाया, और आप मेरी एक रीसेंट वीडियोस भी देखिए जहाँ पे मैंने ये बताने की कोशिश करी है कि अगर आपको CA कोर्स करना है तो आपको क्यों करना चाहिए, आपको CA कोर्स नहीं करना तो क्यों नहीं करना चाहिए, कैसे आप कंपेयर करें या CA कोर्स की क्या जर्नी होती है। तो आपको ओवरऑल आपको एक नॉलेज मिल जाएगी जो जनरली स्कूल काउंसलिंग सेशंस में भी आपको दिया जाता है, जो आपके लिए ये जो स्टेज है 11th एंड 12th, आपको एक्चुअली अपने बारे में सोचना चाहिए कि आगे जाके मुझे कौन से स्टडीज में जाना है, कौन से अंडर ग्रेजुएट कोर्स करने हैं या कोई प्रोफेशनल कोर्स को ऑप्ट करना है। और अगर आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कुछ क्वेरीज हैं या CA कोर्स से रिलेटेड क्वेरी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर आप मुझे रीच आउट भी कर सकते हैं वाया ईमेल, विच इज CA राहुल जैन .in@gmail.com। दिस इज CA राहुल जैन साइनिंग ऑफ।